Hello, my dear students, welcome to Sabka Topper. And today, in continuation of our final revision series, we are going to cover class 10th science and the chapter chemical reactions and equations. And in this is the part of chemistry. So, let us start. और यहाँ हम लोग start करते हैं chemical reactions and equations को. Chemical reactions और इक्वेशन को जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना. इनके बाद हम लोग, और जैसे कि ये वन शॉट वीडियो है तो कवर तो पूरा होगी ही, है ना. ओके, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में. तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना. तो केमिकल रिएक्शन समझने के पहले हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं ना, कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. ओके, तो फिजिकल चेंज में ये होती है कि जो वन एक सब्सटेंस अगर अपने शेप मतलब अपने स्टेट को चेंज करता है ना, तो इस तरह से चेंज करे कि वो फिर अपने प्रीवियस स्टेट को फिर से वापस हो जाए, है ना. रिवर्सिबल प्रोसेस इसको बोलते हैं हम लोग, कि एक प्रोसेस से हम लोग सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर सब्सटेंस अपने को चेंज करती है तो फिर वो चेंज को अगर हम फिर न्यूट्रलाइज कर लें ना, चेंज को ख़त्म कर लें, है ना, बाय गोइंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड, तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे. लेकिन व्हाट अबाउट केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज समझ में आ गई, फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग समझ गए. केमिकल चेंज में क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज वो चीज़ होती है जिसमें कि वन और मोर सब्सटेंस अगर रिएक्ट करता है ना, और फिर वन और मोर प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसमें क्या होता है, बाय अंडरगोइंग स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होती है, टेम्परेचर का चेंज होता है ना. तो वो हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज के बारे में होती है. तो केमिकल चेंजेस ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, है ना. तो नेचर और आइडेंटिटी सब्सटेंस का चेंज हो जाता है तो वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है. केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में सपोज कि अगर वाटर से हमने वेपर बनाया, तो वेपर से फिर हम वाटर बना सकते हैं, वाटर से वेपर बनाया तो अंडर द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, है ना. लेकिन वेपर से अगर हमने वाटर को कन्वर्ट किया तो वो कंडेंसेशन हो गया. लेकिन बोथ स्टेट, वेपर स्टेट में या फिर वाटर अब लिक्विड स्टेट में, दोनों स्टेट में वो लिक्विड वाटर वाटर का ही फॉर्म हुआ, लिक्विड वाटर एंड वेपर फेयर में वाटर का, है ना. तो ये बट अबाउट केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड होता है, डाइजेशन होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सारे चीज़ें हमारे का जो आते हैं वो सभी हमारे केमिकल चेंज में आते हैं. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब अगर केमिकल चेंज हमने समझ लिया तो यहाँ आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है. जब आपने केमिकल चेंज को समझ लिया तब आपको केमिकल रिएक्शन समझने की ज़रूरत होती है. तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, तो केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन में समझ सकते हैं ना, कि केमिकल चेंज उस तरह का हो जिसमें कि वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करे, है ना. आपस में रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ, सपोज कर उसको समझो कि आपस में एक दूसरे से युद्ध करे, लड़ाई करे, है ना. अगर एक दूसरे से इस तरह से प्रोसेस में आए और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद वन और मोर प्रोडक्ट भी बना दे, है ना, प्रोडक्ट बना दे. लेकिन उसमें क्या हो, प्रोडक्ट बनने में क्या होनी चाहिए कि स्टेट में चेंज हो जाए उसका, है ना. जो पहले स्टेट था वो स्टेट भी चेंज हो जाए, कलर में चेंज आ जाए, अच्छी बात है, टेम्परेचर का चेंज हो, अच्छी बात है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, यानी उसके सामने आसपास में कोई किसी तरह का स्मेल आ जाए, मतलब समझो कि ये वहाँ पर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, या कोई घुटन हो जाए तो समझो वहाँ पर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. जब इन सारे चीज़ों के साथ कोई केमिकल चेंज हो, केमिकल चेंज विथ दोज प्रोसेसेस, है ना, विथ दोज प्रोसेसेस, देन दैट केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. क्लियर हो गया, हम समझते हैं कि अब क्लियर हो जानी चाहिए बात. तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन में हम देखें तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, है ना, प्रोसेस इन विच द बाउंड्स आर ब्रोकन. अब थोड़ा सा एलिवेटेड में इसका मतलब डेफिनेशन हो गया, प्रोसेस इन विच द बाउंड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मोलकुल. जब आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को, जब केमिकल इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस लिए जाते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं ना. और प्रोडक्ट द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म
विद इन प्रोडक्ट मोलकुल। प्रोडक्ट मोलकुल में न्यू बॉन्ड फॉर्म करके होते हैं, तो न्यू बॉन्ड जब फॉर्म होगा इसका मतलब क्या हुआ, रिकम्बिनेशन होता है हमारा एटॉमिक लेवल पे, मोलकुलर लेवल पे, है ना, तो वहाँ पर नए प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, है ना, और कंप्लीट न्यू सब्सटेंस हमारे सामने आएगा, जिससे फिर हम कि पुराने सब्सटेंस में नहीं जा सकते हैं, पुराने सब्सटेंस में वापस नहीं जा पाएंगे, है ना, दोज टाइप ऑफ केमिकल चेंज, है ना, दिस टाइप ऑफ केमिकल चेंज आर नोन एज केमिकल चेंजेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या सब चीज हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, ये सारी चीज़ें होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस हो सकती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो सकती है, या रिलीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं, यहाँ पर बस जो अभी समझाए वही चीज़ है कि हाउ टू नो अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, वेरी गुड, है ना। तो अगर केमिकल रिएक्शन को आपको पकड़ने की ज़रूरत है, केमिकल रिएक्शन अगर वो कहीं हो रही है, तो इसमें हम लोग इस टॉपिक को देखना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकती है, चेंज इन कलर हो सकती है, है ना, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, वेरी गुड। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब समझ में आ रही है, चेंज इन स्टेट से क्या मतलब हो रही है, चेंज इन स्टेट का फंक्शन क्या होगा भाई, अगर आप इसमें समझोगे कि चेंज इन स्टेट यहाँ पर कहना इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो मैं एक एग्जांपल के सहारे आपको समझा सकता हूँ कि ये सारे जो केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, है ना, और इन सारे को कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि अभी हमने क्या कहा कि केमिकल चेंज उस तरह का जिसमें ये सारे तरह के चेंजेस नज़र आए, है ना, तो उनको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, यही केमिकल रिएक्शन होने को प्रमाणित करता है, एविडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। अब इसके आधार पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ है ना, कलर, टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, यहाँ पर हमने ये देखना है आपको कि इम्पोर्टेंस कितना है इसका, ये देखो, ये कल चेंज इन स्टेट आया था, चेंज इन कलर आया था और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आया, है ना, ये तीनों हमारे पास, ये तीनों जो है ये आपको क्वेश्चन के रूप में आ रखे हैं, है ना, ये हमारा सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन आ रखा है जो 11th में आया है, है ना, ये मैं 11th बता दूँ आपको, और 14 में आ गया है, 11th 14 में आ गया है और ये 15 में आया है, है ना, ये क्वेश्चन बन के आया है आपके सामने, तो इससे मतलब क्या हुआ कि ये PYQ के रूप में हमारे सामने क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो अब समझो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, हम लोग तो इसको लाइटली लेके चल देते हैं, है ना, बढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ भाई, तो केमिकल रिएक्शन किस तरह का चेंज हुआ, तो चेंज इस तरह का हुआ जिसमें कि चेंज इन कलर हो जाए, चेंज इन स्टेट हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, बट ये तीनों जो है हमारे तीन पार्ट, है ना, ये तीनों आपको क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा इस पर, और अगर ये क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा, है ना, तो आपको क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना, क्वेश्चन इस पर इस तरह से आ रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब ये बात होती है कि जब आप समझ में आएगी ना, आपको धीरे धीरे समझ जाओगे, ये तो ये वन शॉट है वैसे, बट फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी अगर केमिकल रिएक्शन आपके सामने आती है ना, तो केमिकल रिएक्शन तो हम इस तरह से देखते हैं ना, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है, रिप्रेजेंट जो करते हैं हम लोग वो हमारा किसके माध्यम से करते हैं, वो हमारा केमिकल इक्वेशन के सहारे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो अगर इसमें जैसे कि PYQ में हम क्वेश्चन इसको देख रहे हैं, तो अगर इसका हमारा क्वेश्चन आएगा, तो इस पर एक केमिकल इक्वेशन इसका डालनी होती है, केमिकल इक्वेशन डालोगे तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस चेंजेस, है ना, तो चेंज इन कलर का एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर सपोज करो आपने देखा कि कॉपर को हमने AgNO3 में डाला, है ना, अगर हमने चेंज इन स्टेट का एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें, तो चेंज इन स्टेट में क्या होता है, अगर कॉपर को हमने AgNO3 सॉल्यूशन में डाला, एक्वा सॉल्यूशन में डाला, तो क्या किया, Ag हमारा क्या बना, वो डिपॉजिट हो गया, और इसमें हम चेंज इन कलर देखते हैं कि कॉपर का कलर क्या था, कॉपर जो है सो ब्लू कलर में आता है हमारा, है ना, और जब लास्ट हम कलर देखे तो क्या हुआ, सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो गया, तो कलर का चेंजिंग हो गया, कॉपर से हमने सिल्वर में डिपॉजिट किया, तो कॉपर अगर हम इक्वेशन यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो सपोज करो ये कॉपर हो गया हमारा प्लस AgNO3, सपोज इस तरह का हमारा सॉल्यूशन है, और इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि इक्वेशन को किस तरह से हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, है ना, अगर ये कॉपर AgNO3 है, तो ये जब रिएक्ट करता है तो हमारा बन जाता है
कि क्या बनेगा, एजी को यहाँ से डिपॉजिट करा देता है ये, और CuNO3 बन जाता है हमारा। ये रिएक्शन को आप याद रख सकते हो, अगर बैलेंस रिएक्शन याद करनी है तो CuNO3 2 बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस जो है सो यहाँ पर कॉपर सिल्वर 2 Ag हमारा सिल्वर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ बैलेंस हम देखेंगे तो 2 Ag यहाँ पर 2 लगा देंगे हम, है ना, ये 2 लग जाएगी यहाँ पर, तो बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा हमारा, खत्म कहानी, है ना। तो यहाँ पर क्या देखे, कॉपर जो है ब्लू होता है यहाँ पर, सिल्वरी वाइट के कंसेप्ट में आ जाती है, सिल्वरी साइन सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लू कलर से बन गया हमारा। चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया, चेंज इन स्टेट का, और चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज इन टेम्परेचर को हम देखें तो कैसे डिपॉजिट करोगे आप, चेंज इन टेम्परेचर से हम डिपॉजिट मतलब इन द सेंस कि किस तरह से एक्सप्रेस करोगे आप, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, है ना। अगर चेंज इन टेम्परेचर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एग्जाम्पल एक डाल देता हूँ मैं, एकदम हम एक एग्जाम्पल इसमें डालते हैं। चेंज इन टेम्परेचर में अगर एक रिएक्शन आप याद रखना चाहोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिड बेस रिएक्शन, है ना, एसिड बेस रिएक्शन जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो, है ना। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl से रिएक्ट कराते हैं, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने HCl से रिएक्ट करा दिया, तो क्या होगा, ये बेस है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये एसिड होती है ना। एसिड बेस रिएक्शन हुए क्या बनेगा, NaCl बन जाएगी हमारी, साल्ट फॉर्मेशन होगा, NaCl बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस H2O बनेगा। लेकिन ये क्या है, हीट को इवोल्यूशन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर में अगर देखेंगे तो यहाँ प्लस में हम क्या करेंगे, प्लस हीट कर देंगे, है ना। इवोल्यूशन चेंज इन टेम्परेचर से मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर हीट निकाल रहे हैं हम तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जो आगे देखेंगे हम लोग, है ना। बट यहाँ पर अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या देखोगे, अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात होती है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लेड नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम पोटासियम आयोडाइड से कराते हैं, है ना, तो लेड आयोडाइड जो है एलो प्रेसिपिटेट बन के सॉल्यूशन में सॉलिड बन जाता है। प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन में सॉलिड का बन जाना। इसका एग्जाम्पल अगर देखोगे, अगर यहाँ पर सामने वन शॉट रिविजन में अगर याद करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर PbNO3 2 होता है हमारा, ये हो गया PbNO3 2 प्लस हमने 2Ki यहाँ देखा, 2Ki जो बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाता है, इसका मतलब ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा। तो ये लेड आयोडाइड बनाती है, लेड आयोडाइड बनाएगी, यानी PbI2, ये हमारा लेड आयोडाइड कंसेप्ट आ गया, PbI2। तो ये प्रेसिपिटेशन को दिखाएगा कब, जब यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये हमारा सॉलिड स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में, और ये एरो मार्क नीचे की ओर लगा देते हैं तो ये प्रेसिपिटेट हो जाती है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, KNO3। और यहाँ पर बैलेंसिंग जब हम सीख जाएंगे तो KNO3 क्या होगा, यहाँ पर 2 है लगा हुआ तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, यहाँ पर NO3 का बैलेंस हो गया, PbI2 भी बैलेंस हो गया, हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर क्वेश्चन आपको डाला गया है, है ना। तो अब जब आप यहाँ पर देखोगे इस तरह से तो आपका दोनों पार्ट क्लियर हो रहा है कि PbI2 में आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि 11 और 14 और 15 में ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है ना, 11, 15 और CBSE का क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस को देखना है कि एक तो ये करेक्टरिस्टिक्स हो गया केमिकल रिएक्शन का, और उसके आधार पे ये क्वेश्चन पूछा गया, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की बात हो गई, जो पीछे हमने बार बार कहा था कि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कि अगर केमिकल रिएक्शन है कहीं पर तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, है ना। और रिप्रेजेंट करने का जो सिंपलेस्ट तरीका हो जाएगा वो क्या होगा, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब ये हुआ, ये वर्ड इक्वेशन की बात होती है, जैसे अभी हमने जितने एग्जांपल देखा है ना कि पोटेशियम जो पोटेशियम नाइट्रेट बना हमारा और लेड आयोडाइड बना था हमारा, है ना, उन जैसे लेड नाइट्रेट को हमने रिएक्ट करवाया, जैसे यहाँ पर पिछले स्लाइड में हमने देखा, जैसे यहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट को यहाँ करवाया रिएक्शन, लेड नाइट्रेट को 2Ki से पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया तो लेड आयोडाइड बना हमारा और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये जो बना, ये सभी क्या होता है, यही इक्वेशन का पार्ट होता है, यही केमिकल इक्वेशन हो गया अब ये, है ना। और केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, सिंबल के रूप में डाले हम, है ना। और इस सिंबल से पहले अगर इसको हम बोलते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, प्रोड्यूस
प्रोड्यूसर्स क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है हमारा और H2O बनता है। तो इस तरह से जब बनता है कि सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बन गया है ना, तो वो हमारा वर्ल्ड इक्वेशन होता है कि जो इक्वेशन हम बना रहे हैं उसको वर्ल्ड के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज योर वर्ल्ड इक्वेशन, हियर इट इज योर वर्ल्ड इक्वेशन। एग्जैक्टली है ना, फॉलो कर रहे होगे आप, हमको समझ में आ रही है कि आप लोग को अच्छी तरह से इसकी कंसेप्ट मिल रही है ना। तो केमिकल रिएक्शन जो है, ये केमिकल इक्वेशन जो होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना। तो केमिकल रिएक्शन इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शन, ये हमारा वर्ल्ड इक्वेशन हो जाती है क्योंकि हमने यहाँ सिंबल नहीं डाला है, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम के रूप में लिख डाला, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के रूप में लिख डाला है ना, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख डाला, फार्मूला नहीं बना के लिखे, मॉलिक्यूल्स को नहीं लिखे है ना, यहाँ मेटल पार्ट को सिंबल नहीं डाले, ऑक्सीजन को नहीं डाले, लेकिन हमने वर्ल्ड इक्वेशन बनाया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन है ना। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शन जहाँ भी होगी है ना, ये एक्चुअली होता क्या है हमारा, ये हमारा केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन होती है ना। केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब इंफॉर्मेटिव वे में एक्सप्रेस होता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैग्नीशियम किस स्टेट में है, ऑक्सीजन किस स्टेट में है, ये किस स्टेट में निकला है ना, क्या निकला, इवॉल्व हुआ या डिपॉजिट हुआ या प्रेसिपिटेट बना है ना, तो ये सारे हमारे केमिकल इक्वेशन का पार्ट होता है। दिस आर द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसी को केमिकल, और केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका, सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इक्वेशन है ना। तो ये पार्ट हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग लिख लिए कि रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं और प्रोडक्ट किसको कहते हैं। अब रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं है ना, तो रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो ए केमिकल चेंज है ना। केमिकल चेंज से मतलब क्या हुआ, व्हिच अंडरगो ए केमिकल चेंज, जो भी सब्सटेंस होगा वो केमिकल चेंज में होगा, केमिकल चेंज अगर होगा रिएक्शन में तो वो हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा। और प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस है ना। एंड प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ये प्रोडक्ट साइड होता है हमारा है ना, राइट हैंड साइड में, और रिएक्टेंट साइड जो है सो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट जो है सो रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज होता है ना, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में बनता है तो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, अब इसमें है एक पार्ट कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी पूछता है क्वेश्चन में कभी कभी कि एरो का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो एरो क्या होती है हमारी है ना, एरो जो है ये डिस्टिंग्विश करता है किसके किसके बीच में, ये रिएक्टेंट साइड को और प्रोडक्ट साइड को देखो बांट रहा है बीच में एरो हमारा है ना। और ये एरो क्या होती है, ये बताती है कि डायरेक्शन किधर हो रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन किधर हो रही है, ये जिधर की ओर, अगर सपोज करो किसी ने इस डायरेक्शन को इधर से इधर की ओर डायरेक्शन कर दिया है ना, तो क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, इसका मतलब अभी होगा कि इधर से रिएक्शन इधर हो रही है ना। तो इस चीज़ को ऑब्वियस हमको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है ना। और आपको यहाँ पर रिएक्शन जो है हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, एरो का इस्तेमाल करते हैं है ना। तो ये एरो को समझना इंपॉर्टेंट। अब ये रिएक्शन जो है हमारा, इस रिएक्शन में समझ में आ गई हमको कि क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन के रूप में होता है, मैग्नीशियम रिबन होती है ना, और वो ऑक्सीजन के साथ एयर के साथ एयर में बर्न कर जाती है और वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, वाइट पाउडर बन जाता है ना। तो उसको रिएक्शन, अब ये वर्ल्ड इक्वेशन के सहारे दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे सिम्बॉलिक फॉर्म में, अगर रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रूप में, तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं है ना, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन का जो इक्वेशन स्टेटस, अब यहाँ पर देखो इस रिएक्शन हम लिखना चाहेंगे हम, तो यहाँ पर Mg को Md रखो या ना, एक्स का बैलेंस्ड इक्वेशन जो होता है Mg प्लस O2 और ये बन गया आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, MgO बैलेंस करेंगे हम O2, चूँकि यहाँ पर O2 के फॉर्म में होता, तो यहाँ पर O को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, और 2 जैसे लगाएंगे तो फिर Mg में भी हमको 2 लिखने की जरूरत पड़ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम केमिकल रिएक्शन को है ना रिप्रेजेंट करते हैं बाय सम मोर इन्फॉर्मेशन है ना, देन दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन है ना, वो केमिकल इक्वेशन के रूप में उसको हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ यू यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। अब यही चीज़ बताए कि वर्ड को अगर चेंज करके सिम्बॉल में डाल दिए तो वो हमारा केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, कंसाइज हो जाता है। अब जैसे यही चीज़ बताए, अभी पीछे भी हम लिख डाले, ये बन गया हमारा ये 2 Mg बन गया, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो बैलेंस उसको बाद में हम कर लेंगे, वहाँ पर देख लेंगे। अब बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका आपको समझना है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था जो 2010 में था है ना, एक क्वेश्चन था जो 2010 में पूछा गया था है ना,
2010 में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन था ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, है ना। ये जो केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग समझना चाह रहे हैं, ये जो बैलेंसिंग ऑफ, ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पूछा गया है, ये पूछा गया 2010 में, और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रखा गया, ऑन व्हाट बेसिस, बेसिस क्या होती है, ऑन व्हाट बेसिस, है ना, ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, है ना, किस बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2010 में हमने इसको देखा है कि 2010 में इसको पूछा गया है। तो इस इक्वेशन का जवाब क्या होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज बेस्ड ऑन, अगर इसका आंसर आप देखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे सामने इसका आंसर बन के आ रहा है, लॉ ऑफ, और क्यों आता है ऐसा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, है ना। ऑन व्हाट बेसिस, मतलब क्वेश्चन था आपको ऑन व्हाट बेसिस केमिकल रिएक्शन, है ना, इज बैलेंस्ड, इज ए केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड, है ना, किस बेसिस पे किया जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे बैलेंस किया जाता है। तो अब चले आओ कि बैलेंसिंग का मतलब समझ गए, यही एक तरह का क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आपने आंसर के रूप में इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसका बेसिस होता है। अब लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, है ना, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है, जैसे Fe है, आयरन होता है, वाटर होता है, और Fe3O4 होता है, है ना, और H2 होता है। ये Fe3O4 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, है ना, ये फेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, है ना। तो Fe होता है, Fe2O3 दोनों का मिक्सचर होता है ये, है ना, यहाँ पर। बट आपको बैलेंसिंग सीखना है यहाँ पर, है ना, उसके लिए नहीं जाना है कहीं। तो बैलेंसिंग हम किस तरह से करते हैं वो देखो, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाती है बैलेंसिंग। आप कभी कभी क्या होता है, बैलेंसिंग के बारे में पूछा जाता है, जब व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ केमिकल इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, है ना। तो वहाँ पर भी आपको जवाब देनी पड़ेगी। तो इस तरह से स्टेप वाइज बता दोगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, है ना, नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, कितने हैं हमारे जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं डिफरेंट एलिमेंट के। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होती है, है ना, उसके एटम्स को क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर Fe जो है, अभी क्या है, आयरन हमारा एलिमेंट के रूप में होता है, और एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट के जो पार्ट्स होते हैं मेटल नॉन मेटल, तो ये मेटलिक पार्ट में आता है। ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर के मॉलिक्यूल हो गए तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जो एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट हो गया, और दोनों को मिला करके ये क्या बना, कंपाउंड बना हुआ है हमारा वाटर, है ना। ये हमारा कंपाउंड नहीं है, ये हमारा एलिमेंट है, है ना। तो एलिमेंट के आइटम को देखेंगे, फिर कंपाउंड जो बना हुआ उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके आइटम को देखेंगे। तो ये कंपाउंड हुआ, इसमें डिफरेंट एलिमेंट कौन से हुआ, ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए। अब इसके आइटम को देखेंगे हम, है ना। तो एलिमेंट के नाम में हम क्या आ गया, एलिमेंट में हाइड्रोजन भी आया, ऑक्सीजन भी आ गया, आयरन भी आ गया। अब नंबर ऑफ आइटम्स को लिस्ट करेंगे, लिस्ट करने का मतलब समझ आ रही, ये इसको लिस्ट वाइज हम लोग टेबल बना लेंगे एक, और ये लिस्ट करेंगे एक एक टेबल में, एक कॉलम में एलिमेंट को रखेंगे, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ आइटम्स को रखेंगे, और तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स को प्रोडक्ट साइड में रखेंगे। तो आप रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करता है, है ना। और ये हमारा रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट्स होता है, ये प्रोडक्ट होता है। ये सभी सब कुछ को हम समझ गए, लिस्ट कर लिए कि फेरस का एटम कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने एटम है, 1 है, रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, आयरन, प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम्स हैं। तो ये 3 लगने का मतलब क्या हुआ, ये 3 एटम्स हैं, है ना, फेरस के 3 आइटम हो गए, ऑक्सीजन के 4 आइटम्स हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 4 लगा हुआ है नीचे में, इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 आइटम हो गए। हाइड्रोजन में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के आइटम कितने हो गए, हाइड्रोजन के आइटम 2 हो गए। तो यहाँ 2 डाल दिए हम, ये प्रोडक्ट साइड की बात हो रही है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड की बात हो रही थी, है ना, और ये रिएक्टेंट साइड की बात। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से पहले लिस्ट करना है आपको, फिर ये देखना है कि इट इज अपॉन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपोनेंट कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिखाई देगा आपको, जैसे कि यहाँ पर Fe दिखाई दे रहा है, तो सबसे फर्स्ट जो हिट करेगा, हिट करना है हमको, वो इसके बैलेंसिंग को फोकस करना है, ठीक है। तो इसको जब हेल्प बैलेंसिंग फोकस करेंगे, तो यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में Fe3 है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन आइटम, है ना। ऑक्सीजन आइटम को क्या करेंगे, ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर 4 नंबर में है, देखो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा में है, ऑक्सीजन 4 एटम में है, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। इनिशियल स्टेट में रिएक्टेंट साइड में H2O है ना,
प्रोडक्ट साइड में कितना है, रिएक्टेंट साइड में कितना है, ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 है। तो क्या करेंगे इसको, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको जब 4 रख देंगे यहाँ पर H2O के पहले अगर 4 लगा देंगे हम, तो 4 ऑक्सीजन हो गया हमारा, और 4 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो 1-2 रिएक्शन रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब ये रिएक्शन का फॉर्मेट बन गया। Fe एक आया, H2O 4 मल्टीप्लाई करना पड़ गया हमको, Fe3O4 आ गया और H2 आ गया। तो ये पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा, अभी आधा बैलेंसिंग हुआ है। इसके बाद जो हायर नंबर होगा उसको हम बैलेंस करेंगे। तो उसके बाद क्या है, जब ऑक्सीजन को आपने बैलेंस कर लिया तो फिर उसके बाद Fe बचता है, जो Fe हमारा राइट हैंड साइड में 3 नंबर सब आइटम के साथ है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर अब Fe को बैलेंस करना होगा हमको, तो क्या करना होगा, Fe को है, Fe को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, Fe हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर में है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखें Fe एंड H विल आर स्टिल नॉट बैलेंस पिक देयर एनी टू। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आइटम और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश किया, तो हाइड्रोजन हुआ बिल्कुल, जब H2O के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर 8 पार्ट में आ गया है ना, 8 नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ हो गए, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट साइड में कितना हो, 2 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ का इसको भी 8 करना होगा, तो इसको यहाँ पर भी 4 लगा देंगे हम, यहाँ पर 4 लगाएंगे, तो 4 लगाएंगे तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ आ गई है ना। तो ये ऑक्सीजन को भी हम लोग, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया इस तरह से हमारा है ना। इसको आगे बढ़ते हम लोग, अब क्या है, आयरन की नंबर आ गई, आयरन हमारा 3 नंबर पर है, तो इधर क्या देखेंगे हम लोग है ना, कि राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3 प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में 1 है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो ये 3 Fe हो गया हमारा, 4 H2 हो गया, और Fe3O4 हो गया, और 4 H2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब करीब करीब हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, H2 हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई, आयरन की संख्या 3 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये 4th स्टेप में दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक बात कहनी है कि अगर हम अपने इस चैनल को देखें, तो यहाँ पर जो भी आपके पास फाइनल रिवीजन सीरीज जा रहा है ना, तो इस चैनल को आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो है ना, और वीडियो को तो आप देख ही रहे हो, वीडियो में मेहनत लग रही है भाई, तो आप तो लाइक करना ज़रूर पसंद करोगे इसको, तो लाइक कर डालना। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, अब राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि स्टेप 6 में जो है बैलेंस्ड इक्वेशन में ये भी एक पार्ट होती है हमारी, कि सिंबल को आपको डालते जाना है। सिंबल का मतलब ये हुआ कि S जो है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको S उसके आगे जो है सो S को ब्रैकेट में लगा देंगे, अगर लिक्विड स्टेट डिनोट करता है L लगा देंगे, गैस को डिनोट करता है G लगा देंगे, और अगर सॉल्यूशन में ना हुआ, वाटर के साथ सॉल्यूशन हो रखा है तो उसको AQ लगा देंगे हम। दीज आर द सिंबल्स है ना, जो फिजिकल स्टेट, तो इक्वेशन को करीब करीब पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता है आपको कि ये सॉलिड स्टेट है, ये गैसेस स्टेट फेज में है, ये सॉलिड स्टेट, ये गैसेस फेज में है। तो ये इस तरह से हमको समझने की ज़रूरत होती है। अब चला है हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हमारा, उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है हमारा वो है क्या, आपको यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग समझ गए, कि इक्वेशन की बात समझ गए, इक्वेशन को बैलेंस करने आ गया हमको, अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जाते हैं। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, उसमें क्या होता है, 2 or more रिएक्टेंट्स जो है कंबाइन करके सिंगल कंपाउंड फॉर्म करता है, 2 or more रिएक्टेंट है ना। तो कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ, 2 or more होगा, और बाद में हमारा क्या हो गया, 1 प्रोडक्ट सब्सटेंस बना हमारा, दिस इज द कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, अगर कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं, वो अगर वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में क्विक लाइम सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो यहाँ पर हमारा जो वॉल के पेंटिंग में भी काम करता है, तो उसको हम लोग जानना चाहिए है ना। CaO क्विक लाइम जो होता है वॉल के पेंटिंग में काम होता है हमारा है ना, वाइट वॉश जो होती है वॉल की, तो उसमें हम काम होते हैं। तो यहाँ पर स्लैक लाइम बना हमारा, सॉलिड स्लैक लाइम मतलब एक्वस है ना, वाटर से डिजॉल्व होकर के है ना, क्विक लाइम जो है हमारा स्लैक लाइम। तो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम, तो यहाँ कम्बिनेशन हो गया, ये दिस इज द कम्बिनेशन रिएक्शन। और कम्बिनेशन रिएक्शन में तो उस तरह से प्लस लिखते हैं, और प्लस करने का मतलब क्या हुआ, जमा करना, एडिशन करना कंपाउंड है ना, तो ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक पार्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक से मतलब हुआ कि इसको याद रखने का तरीका है, EX से एग्जिट हम लोग बताते हैं, EX से क्या बताते हैं हम लोग, एग्जिट होना है ना, एग्जिट हीट का बाहर निकलना है ना, एग्जिट
एग्जिट होने का मतलब क्या हुआ, बाहर की ओर निकलना, हीट का एग्जिट होना। एग्जिट से ई एक्स से एक्सोथर्मिक हो गया, एंड एक्सोथर्मिक से केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज हीट एंड हैज़ ए नेगेटिव स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ओके, अब नेगेटिव एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज वो तो आप नहीं समझोगे अभी, है ना, बट इसको ये समझो कि हीट को रिलीज करता है, मतलब अगर रिएक्शन हम लिखते हैं ना तो रिएक्शन में लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं और प्लस में हीट लगा देते हैं इस तरह से, लाइक दिस, इसमें हीट लगाने की कोशिश करते हैं, है ना, ये हीट का अमाउंट हो गया। तो हीट का अमाउंट होने से क्या हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर वहाँ बढ़ता है, हीट रिलीज होती है वहाँ से, हीट एग्जिट होता है। और यहाँ पर वाटर है, एसिड रिएक्शन है, यहाँ पर रस्टिंग हो गया, है ना, फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर फिशन हो गया, कैंप फायर हो गया, है ना, ये सभी जो है हमारे क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ओके, अब दूसरा जो रिएक्शन होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें सिंगल सब्सटेंस, इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स अप टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना, दैट इज़ कॉल्ड इसमें आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में यही चीज़ होता है कि ब्रेकअप होना, डिकम्पोज होना, है ना, व्हेन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर। तो कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा हो गया ना इसमें, है ना, उसमें क्या होता, तो ये हमारा इस साइड, ये जो है प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है ना, वो उसमें रिएक्टेंट साइड में होता है, है ना। जैसे कि इसका अगर हम ये देखें तो इसमें क्या हो, एक कंपाउंड लिए हम, एक कंपाउंड हुआ, ये कितने पार्ट में टूट गए, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीन पार्ट हम ले सकते हैं, है ना, चाहे तो हीट से ब्रेकअप हो जाए, लाइट से हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, उसको हम लोग जो हीट से होती है उसको पैरालिसिस बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का नाम पैरालिसिस होता है, है ना, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और लाइट से जो होता है फोटोलाइसिस बोलते हैं, तो वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, चलते आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें दिया है कि व्हेन वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो यहाँ पर लाइट से हुआ, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट से हुआ, बाय लाइट से, तो आप इस वर्ड को याद रखो। अगर फोटोलेसिस पूछता है आपसे कहीं पर, तो फोटोलेसिस के लिए द बेस्ट एग्जांपल है ये फोटोलेसिस, फोटोलेसिस, है ना, इसका मतलब आपको यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है, फोटोलेसिस, लेसिस, ये लेसिस जो होता है ना, ये ब्रेकिंग अप होता है ना, लेसिस का मतलब टूटना हुआ, है ना, डिकम्पोज होना, और ये फोटो जो है फर्स्ट पार्ट, है ना, इसका मतलब ये फोटो से क्या हुआ, लाइट का कंसेप्ट आता है, फोटो से फोटोन होती है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वहाँ पर फोटोन का कंसेप्ट आता है, तो इसलिए फोटो प्लस लेसिस, फोटोलेसिस। हाँ, तो यहाँ पर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, और ये इक्वेशन दे रखे हैं हम लोग, AgCl, है ना, AgCl2, है ना, AgBr, है ना, ये फोटोग्राफिक प्लेट में यूज होता है, AgBr का रिएक्शन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में ये AgBr का रिएक्शन हमको सपोर्ट देता है, तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पर है इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी साथ में हम लेके चल रहे हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई, इंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन में ये चीज़ होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस का पार्ट हुआ, ये हीट का, अगर सेकंड ग्राफ ये दूसरा फिगर हम लोग देखें, तो इसमें देखो ये हीट का एडिशन हो रहा है, एडिशन एंट्री हो रही है, इसके अकॉर्डिंग इंडोथर्मिक का नाम जो लिए ना हम लोग, EN से पार्ट जो होती है ना, EN से एंट्री, है ना, EN जो एंडोथर्मिक का जो EN पार्ट होता है ना, इंट्रो एंट्री से, इसको हम लोग एंट्री वाले पार्ट से ऑब्जर्व करते हैं, एंट्री का एंट्री मतलब इस सिस्टम में जो है हीट एंट्री हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर का मीडियम जो होगा ना, है ना, यहाँ पर जो बाहर का मीडियम जो होगा ना, सराउंडिंग जो होगी यहाँ पर, वो सराउंडिंग क्या फील करेगा, सराउंडिंग से हीट जा रहा है सिस्टम में, सिस्टम ये अगर होती है तो इसमें हीट का फ्लो हो रहा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग में क्या होगा, सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट होगा, सराउंडिंग में फील कूलिंग इफेक्ट होगा, दैट इज दे एंड फील कोल्ड, है ना, कूलिंग इफेक्ट होगा, क्यों, हीट कहाँ जा रहा है, सिस्टम में हीट ले रहा है, तो ये सिस्टम यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ना अंदर में, उस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब करने की, हीट लेने की कैपेसिटी हो जाती है, तो ये सराउंडिंग से हीट ले लेता है, है ना, सो सराउंडिंग फील, सराउंडिंग में क्या फीलिंग होती है, कोल्ड का फील होता है, कूलिंग इफेक्ट हो गया है, इसका मतलब है ना, डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर, है ना, तो ये एग्जाम्पल याद रखना, साल्ट इन वाटर का कंसेप्ट आ रहा है हमारा, है ना, दिस आर द इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, जो मेटलर्जी प्रोसेस होती है वहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है। इसे बेसिकली क्या होती है ना, इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना,
वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने जगह से डिस्प्लेस कर देता है ना, उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, जो आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना, और उसको बिफोर एंड आफ्टर कंपेयर किया जा रहा है ना। तो बिफोर जो है सो क्या हुआ, ये सॉ ब्लू कलर का है, और आफ्टर जो है रिएक्शन ये देखो किस कलर का हो गया। तो एक तरह से यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ये फेरस जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है, फेरस आयरन नेल को, तो फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर पर क्या होता है, उसका ये परत चढ़ जाता है, कॉपर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है ना। तो आयरन नेल पे हमारा कॉपर का सॉल्यूशन का जो पार्ट होता है वो हमारा डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको कि जो ये रिएक्शन हो गया इसमें क्या हुआ, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया। कॉपर को डिस्प्लेस किसने किया, आयरन ने कर दिया। आयरन उसके जगह पर, आयरन यहाँ से अपने अपने को इस पर ले आया और कॉपर को यहाँ से बिल्कुल हटा दिया, कॉपर को सेपरेट कर दिया, यहाँ से भगा दिया इसको, है ना, कॉपर को यहाँ आगे ले आया। तो इस चीज़ को समझना है इम्पोर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्या मतलब हो रही है। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये जिंक है ना, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यहाँ पर फिर क्या किया, जिंक ने भी कॉपर को हटा दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिंक ने भी क्या किया, जिंक इस जगह पे पहुँच गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो जिंक कहाँ आया, सल्फेट में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, और कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सॉलिड स्टेट में यहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, ये लेड भी, लेड का एग्जाम्पल देखो, लेड CuCl2, लेड ने भी वही काम कर दिया, है ना, लेड भी यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपसे और गुजारिश है, रिक्वेस्ट है ना, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियोस डालने के लिए मेहनत लगती है तो उसको गुरु दक्षिणा के रूप में यहाँ पर लाइक बटन को भी ज़रूर दबा देना, है ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अब आपको इसमें ज़्यादा सीखने की क्या ज़रूरत है, अगर हमारे सामने इस तरह का डिकम्पोजिशन ये रिएक्शन आती है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है तो इसमें समझने की क्या ज़रूरत है भाई, इसमें एक टर्म आती है जो टर्म होता है आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के रूप में, रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होती है, जो रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज मेटल होती है, रिएक्टिविटी ये होता है हमारा, यहाँ पर हम नोटिंग थोड़ा करते हैं, इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या हुआ, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये होता है कि उस तरह के मेटल, है ना, जो कि हाइड्रोजन को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं हम और उससे अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है ना, तो उसको क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग एवर प्लेस करते हैं, है ना। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दें हम, जिससे ये सारे रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे, तो हम थोड़ा सा इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज बनता है ना हमारा, जैसे कि यहाँ पर हम सपोज करो कि आपको डाला Mg डाले हम, है ना, Mg हुआ, फिर अल्मोनियम हो गया, ये Al हो गया, ओके, इसके बाद आपको Zn हो गया, है ना, ये हो गया Zn हो गया, Fe हो गया, कॉपर हो गया, ये देखो, है ना, कॉपर हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा कर दिया, ये कॉपर हो गई आपको, ये आपने कॉपर ले लिया। तो ये एग्जांपल के रूप में आप देखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ होता है, मतलब ये Mg इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, एल्युमिनियम उससे कम होगा, तो ये ऑर्डर का आप साइन लगा दो सिंबल इस तरह से, एल्युमिनियम से कम जिंक का हुआ, जिंक से कम Fe का हुआ, Fe से कम Cu का हो गया, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह से हम देखते हैं, है ना, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज को समझने की ज़रूरत है, बस दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि ये दो पार्ट में हमको देखने को मिलता है। हाँ, पीछे जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो कंसेप्ट है ये आपको CBSE 2016 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज को भी हमको दिखाता है। रिएक्टिविटी सीरीज का जो कंसेप्ट है यहाँ पर, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ है ना, रिएक्टिविटी सीरीज और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे साथ। तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ना, जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, है ना, इसमें केटायन और एनायन कंसेप्ट होता है ना। केटायन और एनायन क्या करता है, टू डिफरेंट मोलिकुल्स का केटायन जो इंटरचेंज हो जाती है,
केटायन और एनायन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन जो बोलते हैं, तो निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को हम लोग बोलते हैं केटायन, अगर पॉजिटिव आयन की बात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, और निगेटिव आयन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो ये क्या होती है, केटायन और एनायन की बात क्यों आती है, केटायन जो है सो पॉजिटिव आयन होते हैं हमारे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केटायन आयन सुनने में हमको ये पॉजिटिव आयन होते हैं, है ना, और एनायन जो होते हैं हमारे वो निगेटिव आयन्स होते हैं, एनायन हमारे निगेटिव आयन्स होते हैं। तो इसमें हमको ये देखना है कि कैटायन क्या होता है, जब कैथोड की बात होती है तो कैथोड पर जो डिपॉजिट होता है वो कैटायन बोलते हैं हम लोग, और एनोड की तरफ जो जाता है उसको एनायन बोलते हैं, यहाँ समझना है आपको, है ना। तो इसमें है कि टू डिफरेंट, है ना, इन विच टू कंपाउंड्स, यहाँ पर जो Na2SO4 है हमारा, टू डिफरेंट कंपाउंड्स की बात हो गई, है ना, डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए, है ना, और ये बन के कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगी, इसका प्रोडक्ट साइड में आ गया, है ना, टू एक्सट्रीमली डिफरेंट कंपाउंड बन गया हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो अगर Na2SO4 में देखें तो इसमें केटायन कौन सा है, इनमें केटायन जो होगा 2Na+, है ना, Na का प्लस पार्ट जो है ये केटायन हो गया, SO4 जो होता है वो एनायन होता है, इसमें इन्हें SO4 जो लिखेंगे हम, ये हमारा, है ना, ये डबल नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पर, तो एनायन की बात होती है। यहाँ पर टू लिख दिए तो प्लस वन से काम चल गया हमारा, है ना, टू हटा देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर डबल प्लस हो जाएगा, सोडियम के साथ टू डबल प्लस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट केटायन एनायन की बात होगी, इसमें केटायन Ba++ होगा, ये Cl- हो गया हमारा एनायन, तो ये हमारा डिस्प्ले। अब देखो कि Na2 SO4 के साथ था, है ना, तो ये कहाँ चला आया, ये इसमें आ गया, Ba के साथ डिपॉजिट हो गया, और ये Ba कहाँ आ गया, Ba हमारा इसका रोल प्ले कर लिया, यहाँ पर आ गया। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, और बन गया क्या हमारा, BaSO4 बन गया, NaCl बन गया, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो गई। ओके, अब हम लोग चले आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो प्रोसेस इस तरह से होता है कि इसमें मतलब मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की बात होती है, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखोगे आप। तो ऑक्सीडेशन से क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन से क्या याद रखना है आपको, ऑक्सीजन और एडिशन, ऑक्सीजन प्लस एडिशन अगर करते हैं हम लोग, सपोज करो ये बात होती है, इस तरह से याद रखना है आपको। तो थोड़ा थोड़ा याद रखने का ट्रिक भी बता रहे हैं आपको कि थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। ऑक्सीजन का एडिशन, जब ऑक्सीजन का एडिशन कहीं पर हो तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ओके। और जस्ट ऑक्सीजन पे अगर आपको फोकस कर रहे हो तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन का एडिशन हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सीजन का कम होना दैट इज रिड्यूस्ड, है ना, रिडक्शन से क्या हुआ, रिड्यूस्ड, रिडक्शन किससे आया, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब आप जानते हो, रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, घटना, रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, घटना, रिड्यूस का मतलब हिंदी वर्ड अगर आप सीखोगे तो रिड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ, घटना, है ना, रिड्यूस का घटना। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ऑक्सीजन का घटना, किसका घटना भाई, ऑक्सीजन का घटना, किसका घटना, ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सीजन का कम हो जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना दैट इज रिडक्शन, ये रिडक्शन, ऑक्सीजन का घटना क्या हुआ हमारा, रिडक्शन हो गया। तो अब ये अगर याद रखोगे, अगर सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पर याद रखने की कोशिश करोगे तो भी आपको याद रखने में आसानी रहेगी, ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीजन प्लस एडिशन ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीजन का घटना, है ना, ऑक्सीजन का घटना रिड्यूस होना, रिड्यूस होना घटना दैट इज रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो इट इज अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड, अच्छा अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ये अब ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है और रिड्यूस्ड कब होता है, तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसके साथ हुआ वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, रिडक्शन प्रोसेस जिसके साथ हुआ वो रिड्यूस्ड हो गया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जिसका घट गया, जिससे ऑक्सीजन घट गया वहाँ पर उसका रिडक्शन हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ऑक्सीजन का बढ़ गया वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन का बढ़ जाना ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्यूपर, क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, आपने लिया और हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बन गया, यानी इसमें कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, घट गया, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, इससे ऑक्सीजन इसमें रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन साहब रूठ के चले गए यहाँ से, रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा घट गई इसमें, दैट इज द
रिडक्शन प्रोसेस, और यहाँ पर H2 के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुट गया, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बढ़ गया इसमें, तो यहाँ पर H2O बनकर क्या बना, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड है ना, सेड टू बी ऑक्सीडाइज और सेड टू बी रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ भाई, जिसमें ऑक्सीजन जुट गया, जिसका ऑक्सीडेशन हो गया है ना, जिसमें ऑक्सीजन गेन हो गया वो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसमें ऑक्सीजन भाग गया वो रिड्यूस्ड हो गया। सीधी सी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके आगे बढ़ें, ये कोरोजन प्रोसेस हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम लोग कोरोजन की बात जो कर रहे हैं, तो व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स एट्सेट्रा है ना, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स है ना इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स है ना, ये अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो किसके कारण, जब वो हमको एक्सपोज करते हैं एटमोसफेयर में, सपोज एक्सपोज कर देते हैं कोई चीज़ को, तो वो क्या होता है वहाँ पर मॉइस्चर से अटैक हो जाता है, एसिड एयर के, एयर से भी, एयर से वो क्या होती है कंबाइन करके वो अनडिजायरेबल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है ना, डिटोरिएट हो जाता है एक्चुअली इस तरह से है ना। तो कोरोजन कॉजेस, कोरोजन कहाँ कहाँ डैमेज कर सकता है, कार बॉडीज को डैमेज करता है आपको, ब्रिज को कर सकता है डैमेज, आयरन रेलिंग को डैमेज कर सकता है ना, सेप्स अदर सब्सटेंस को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से कोरोजन की बात होती है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन का एक स्पेशल पार्ट होता है रस्टिंग है ना, ये रस्टिंग किसके लिए आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, रस्टिंग पूछा जाता है एग्जाम में है ना। रस्टिंग की मतलब क्या होती है, रस्ट से आप क्या समझते हो, रस्ट होती क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। रस्ट किसको कहते हैं कि जब आयरन आर्टिकल्स, आयरन पार्ट का कोई मतलब होती है, आयरन से बना हुआ कोई वस्तु अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, तो ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से वो क्या होती है जो रिएक्ट करती है, उस रिएक्ट के बाद रेडिश ब्राउन कलर का उसके ऊपर लेयर जम जाता है ना, उसके सरफेस पे रेडिश ब्राउन का, रेडिश ब्राउन कलर का एक सरफेस जमती है, और उस सरफेस को हम लोग रस्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं, वही रस्ट होता है हमारा। तो समझ में आ गई कि आयरन से बना हुआ प्रोडक्ट, आयरन के प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में है ना, तो वो क्या करता है उसके ऊपर एक कोटिंग जम जाती है, वो कोटिंग किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग होता है, और उस कोटिंग को हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोरोजन, जब आयरन की बात होगी तो रेयर रस्टिंग किसके लिए होगा, यहाँ जो एग्जांपल दे रखे हैं रस्टिंग सिल्वर के लिए नहीं बोलेंगे हम, रस्टिंग कॉपर के लिए रस्टिंग नहीं बोलेंगे, बट रस्टिंग जब भी बोलेंगे हम तो किसके लिए बोलेंगे, वो आयरन के लिए बोलेंगे, आयरन के लिए, आयरन का कोरोजन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर रस्टिंग है ना, रस्टिंग बोलते हैं। तो इसके बाद रस्टिंग के बाद हम लोग आगे समझ रहे हैं, आगे समझना है आपको रेंसिडिटी। यहाँ रेंसिडिटी देखते हैं हम लोग है ना, व्हेन फूड आइटम्स कुक्ड इन ऑयल, अब जब फूड आइटम को ऑयल और फैट में कुक किया जाता है और उसको जो एक्सपोज कर दिया जाता है, मान लो एयर के साथ अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया जाता है, तो अनप्लीजेंट स्मेल होते हैं, वो दे गिव अनप्लीजेंट स्मेल है ना, तो उसको हम लोग रेंसिड बोलते हैं ना, दे बिकम रेंसिड, इसी को हम लोग रेंसिड बोलते हैं ना, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको रेंसिड बोलते हैं है ना, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज है ना वो स्मेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप कुकिंग ऑफ फूड जो होता है ना, फैट्स और ऑयल के साथ अगर करता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है वो रेंसिड कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये जो प्रोसेस होता है हमारा है ना, अनप्लीजेंट स्मेल का आना है ना, दिस फेनोमिना इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और ये क्यों होता है, जो उसमें जो फैट्स और ऑयल जो प्रेजेंट होते हैं फूड में है ना, तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सहारे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सहारे क्या होते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं है ना, जिसके कारण वो रेंसिड फॉर्म कर जाता है। तो अब ये है कि यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट, अब प्रिवेंट कौन करेगा उसको, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता हो, दैट इज कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेंट्स है ना, एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल है ना। तो उसमें हम लोग एडिशन एंटी ऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हैं है ना, वो ब्यूटिलाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, द कीपिंग फूड आइटम लो टेम्परेचर पर, फूड जैसे फ्रीज करते हैं हम लोग है ना फ्रीजिंग में, बाय वैक्यूम पैकिंग है ना, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये करने से हमको एक्सपोज करने से उसका जो रिएक्शन होना चाहिए वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रोक देता है उसको। ओके अब यहाँ पर एक आपके पास जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक बटन को दबाना नहीं भूलना है ना। सो अब हम लोग आपके इस क्लास को जो फाइनल रिवीजन सेशन है इसके इस टॉपिक को विराम देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।